जनजातीय जिला किन्नौर के किसानों के आय सृजन कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए रामपुर के दत्तनगर में 5 दिवसीय खुम्ब उत्पादन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नौर के 3 खंडों के किसानों ने हिस्सा लिया। जनजातीय जिला किन्नौर के किसानों की आय सृजन कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए रामपुर के दत्तनगर में आयोजित किया गया 5 दिवसीय खुम्ब उत्पादन प्रशिक्षण शिविर, जिसमें किन्नौर के 3 खंडों के किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विशेषज्ञों ने किसानों को कैसे खुम्ब उत्पादन कर आर्थिकी मजबूत की जा सकती है बारीकी से जानकारी दी। इसके अलावा खुम्ब उत्पादन के लिए कैसे खाद बनाई जाती है और किस तरह से बीज तैयार किए जाते हैं, तमाम जानकारियां इस दौरान किसानों को दी गई। किसानों को खुम्ब खाद उत्पादन इकाई में ले जाकर उन्हें किस तरह से खुम्ब खाद को बनाया जाता है बताया गया। किसानों को बताया गया कि कैसे गुणवत्तापूर्ण खाद तैयार कर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इस दौरान डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर, संतोष मेहता, प्रवीण मेहता, डॉक्टर किशोर ने विस्तार से किसानों को जानकारी दी। प्रशिक्षण दे रहे डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मशरूम खाद उत्पादन केंद्र दत्तनगर में खुम्ब उत्पादन के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। सरकार द्वारा किसानों को कैसे सशक्त किया जाए, इसे लेकर के ऐसे प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। किसान परविंदर नेगी ने बताया कि दत्तनगर में खुम्ब उत्पादन प्रशिक्षण चलाया गया है और इसमें पूरे किन्नौर के चयनित किसान प्रशिक्षण लेने पहुंचे हैं। सरकार द्वारा आय सृजन के लिए इस तरह के किए गए प्रयास सराहनीय है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में खुम्ब उत्पादन एक सराहनीय प्रयास है। हाँ जी, मैं परविंदर सिंह नेगी, मैं जिला किन्नौर से हूँ और यहाँ पे 5 दिवसीय खुम्ब प्रशिक्षण के लिए आया हूँ। और यहाँ पे जो है 5 दिन हम लोगों ने जो है बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर देवेंदर और अपने डॉक्टर प्रवीण वगैरह इनके देखरेख में जो है हमने काफ़ी अच्छा इसके बारे में सीखा। शुरू से ही बेसिक चीज़ें इन्होंने बताई, जो कि इससे पहले हमको इसके बारे में ज़रा भी ज्ञान नहीं था कि ये कैसे लगाया जाता है। और अब जो है इनके प्रशिक्षण के बाद हम लोग इस काबिल हो गए कि हम अच्छा मतलब इसको उगा करके अपने लिए भी और मार्केट तक पहुंचाने में भी सक्षम हो सकते हैं। धन्यवाद। कामरू गांव के कल्याण ने बताया कि रामपुर के दत्तनगर में प्रशिक्षण के लिए आए हैं और प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने खुम्ब उत्पादन कैसे हो इसकी बारीकी से जानकारी दी, इससे वे काफी लाभान्वित होंगे। मेरा नाम कल्याण, मैं कामरू गांव तहसील सांगला से यहाँ रामपुर दत्तनगर में आया हूँ। मशरूम कैसे उगाते हैं उसका ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और मुझे लगभग 3-4 दिन हो गए आज तो। हमारे को यहाँ पे 3 सर है हमारे, उन्होंने हमारे को अच्छी तरह से ट्रेन करवाया, प्रैक्टिकल और थ्योरी मतलब दोनों में अच्छी तरह से ट्रेन करवाया। और हमने इसमें ये देखा कि हम मशरूम उगाकर। डॉक्टर प्रवीण मेहता ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है और इसमें किन्नौर के किसान मशरूम उत्पादन की तकनीक सीखने आए हैं। उन्हें मशरूम का प्रशिक्षण देकर सशक्त किया जाएगा, ताकि लोग खुम्ब उत्पादन कर आत्मनिर्भर बने, इसके साथ आय के साधन सृजित हों। खुम्ब खाद इकाई दत्तनगर में जो ये प्रशिक्षण शिविर 25 तारीख से 29 तारीख तक जो चला हुआ है अभी, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के जो बागवान हैं इसमें आए हुए हैं, जिनके जिनको हम यहाँ पर मशरूम के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देने की भी हमने कोशिश की है, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने और खुम्ब को अपना एक आय का एक व्यवसाय के रूप में इसको अपनाएं।